Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Niazi Stitching and Painting। तो आज मैं आपको ये वाला फ्लावर सिखाऊंगी, ये मैं हैंकी पे बनाऊंगी। तो इसमें लीफ में मैंने लाइट कलर पे डार्क शेडिंग दिया है और फ्लावर में मैंने डार्क कलर पे लाइट शेडिंग दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने लेमन येलो कलर ले लेना है, फिर सैप ग्रीन, थोड़ा सा सैप ग्रीन उसमें मिक्स कर देना है। तो इससे हमारा जो सैप ग्रीन है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। फिर इससे हम पहले लीफ में फिल कर देंगे। अब शेडिंग देने के लिए हमें सैप ग्रीन कलर ले लेना है, फिर थोड़ा सा ब्लैक उसमें मिक्स कर देना है ताकि हमारा सैप ग्रीन कलर डार्क हो जाए। अब हम शेडिंग दे देंगे। तो अब आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर को बनाने के लिए पहले हमने रेड कलर इसमें फील कर लेना है और फील करके हमें इसे गीला ही रखना है, सूखने नहीं देना है, और फिर उसके ऊपर वाइट से शेडिंग डालना है। अगर ये सूख जाएगा तो हमारा जो वाइट होगा वो ऊपर ऊपर दिखेगा, मिक्स नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें गीले में ही बनाना है। सेंटर पे हम पहले वाइट से डॉट डॉट दे देंगे, फिर गोल्डन येलो से डॉट डॉट देना है और फिर ब्लैक कलर से डॉट डॉट देना है। बर्ड्स बनाने के लिए भी हमें बस यही वाला मेथड फॉलो करना है। पहले फील कर देना है, फिर वाइट कलर से उस पर शेडिंग डाल देना है और गीला ही रखना है। तो ये हमारा पेंटिंग हो चुका है रेडी। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।